दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओल्ड पैन कार्ड को नए पैन कार्ड या ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें UTIISTL वेबसाइट से। सो दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल अजीज, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल को ओपन करना है या कोई भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, वहाँ पर टाइप करना है कि ई पैन कार्ड। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर UTIISTL का वेबसाइट में लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड ई पैन कार्ड। डाउनलोड ई पैन कार्ड में क्लिक करना है। सो दोस्तों ई पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपका यहाँ पर दो चीज़ों का ज़रूरत होगा, आपका जो पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए सबसे पहले जो मेरा पैन नंबर है वो पैन नंबर को फिल कर लेते हैं। सो दोस्तों इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसे नए नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। सो दोस्तों पैन नंबर फिल हो चुका है, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को हम फिल कर लेते हैं। सो फाइनली डेट ऑफ बर्थ फिल हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ को फिल होने के बाद आपका जो यहाँ पर कैप्चर शो हुआ, आपका जो कैप्चर दिखाई देगा वो कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है। चाहो तो आप कैप्चर को ये जो एरो का निशान है, एरो का निशान पे क्लिक करके आपका जो कैप्चर है वो कैप्चर को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए कैप्चर फिल होने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर का कुछ डिजिट और मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट दिखाई देगा। उसका नीचे जो कैप्चर दिया हुआ रहेगा वो कैप्चर को फिल करना है और जो टर्म्स कंडीशन है वो चेक बॉक्स में क्लिक करना है। हम कैप्चर को फिल कर लेते हैं। तो चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद ग्रेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसका बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को इस जगह में फिल करना है। फिल होने के बाद फिर से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज में भेजा जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपका जो ई पैन कार्ड का डाउनलोड है सब कुछ फुल डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर और मेथड ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद आपका जो डेट किस डेट में आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं और टाइम सब कुछ दिखाई देगा। उसका नीचे द ई पैन लिंक हैज़ बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक लिंक सेंड किया गया है ई पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए मेरा जो मेरा पास दूसरा मोबाइल है और दूसरा मोबाइल को मैं ओपन कर, तो चलिए मैं वहाँ पर SMS को ओपन कर लेते हैं। SMS को ओपन करने के बाद वहाँ पर जो लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक ब्राउजर में उसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP आएगा, तो उस OTP नंबर को फिर से आपका इस जगह में फिल करना है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, उस OTP नंबर को फिल कर लेते हैं। OTP नंबर को फिल करने के बाद फिर से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो गवर्नमेंट वेबसाइट है थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए हम माफी चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो ई पैन का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप इस जगह से दो चीज़ को मतलब दोनों
हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मैं पीडीएफ फाइल में ही डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जिस ब्राउजर से आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं उसका डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। तो डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा कि ई पेन कार्ड का पीडीएफ फाइल, देख लीजिए ई पेन कार्ड का पीडीएफ फाइल। उसको ओपन करते ही पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।